Assalamualaikum student. Today I will teach you about fertilization. Fertilization. When pollination is successful, the pollen join the egg present in the ovary and become a seed. This process is called fertilization. Most plant passes on life to future plant generation by seed. Seeds यानी बीज एक पौधे से दूसरे नए पौधे बनाने के लिए required होते हैं. And a flower is mainly responsible for the purpose of seed production. The main part of flower working to make seeds are stamen, pistils, ovary. The rib pollen from anther of the same flower catches on the stigma. Each pollen grain seeds out a tiny thread-like tube. The tube grows down through the style and precious one of the ovules in the ovary. This process is called fertilization. Each ovule must receive the content of the pollen tube before it can develop into a seed. It usually takes the tube from 2 to 5 days to reach the ovule, but its time may vary from a hour to 6 months. After fertilization, the ovary swells and changes into a fruit. A structure of a fruit. Pre-crepe fruit wall which encloses one or more seed derived from wall of ovary and seeds pre-crepe in different into 3 layers. First, a pre-crepe outer layer forms skin. Second, mesocrepe middle part is the fleshy edible part. Third, endocrepe inner protects seeds. स्टूडेंट आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है फ्लावर, इधर हो रही है हमारे पास पॉलिनेशन. पॉलिनेशन के डिफरेंट पार्ट्स हैं हनी बी, ओवी, ओव्यूल्स, एंथर, फिलामेंट, पेटल, सेपल. उसके बाद हमारे पॉलिनेशन के बाद हमारे पास होगी फ्लावर की फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन में आपके पास फर्स्ट स्टेप होगा पॉलन ग्रेन, उसके बाद पॉलन ट्यूब. मेजर जैसे कि हमने पढ़ा है कि सीड तब तक प्रोड्यूस नहीं हो सकते जब तक पॉलन ग्रेन एंथर से निकलकर स्टिग्मा तक ना आ जाए. अब पौधे और फूल कहने को तो जानदार हैं मगर वो इस तरह के काम खुद से नहीं कर सकते, तो इस प्रोसेस के लिए उन्हें बाकी लिविंग थिंग की ज़रूरत होती है जो कि हनी बीज, बटरफ्लाई और बाकी के वो इंसेक्ट जो एक फूल से दूसरे फूल पर जाकर बैठते हैं. फूलों की खुशबू, रंग, खुशबू और खूबसूरती इनकी शहद की मक्खियों और तितलियों को अट्रैक्ट करती हैं. तो जब एक शहद की मक्खी एक फूल पर आकर बैठती है, पॉलन ग्रेन एंथर पे उसका पाँव से चिपक कर स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र हो जाता है. इस प्रोसेस को कहा जाता है पॉलिनेशन. पॉलिनेशन दो तरह की होती हैं, सेल्फ पॉलिनेशन यानी जिसमें एक पौधे को पॉलिनेशन ग्रेन उसी पौधे में ही जाकर सीड बनाते हैं. दूसरी क्रॉस पॉलिनेशन जिसमें एक दूसरे पौधे पॉलीग्रेन ट्रांसफ़र होकर सीड बनाने ज़्यादा डिज़र्व वैरायटी यानी मुख्तलिफ वैरायटी और शक्लों के फूल पैदा होते हैं, इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है. स्टूडेंट आपको मेरा ये फर्टिलाइजेशन का चैप्टर समझ में आया होगा. आपको भी शीट पर इसी तरह से पॉलिनेशन और फर्टिलाइजर्स का प्रोसेस शो करना है, इसे लेबल करना है और स्कूल में सबमिट करवाना है. थैंक यू स्टूडेंट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.